हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जनरेशन जेन जी के बारे में जानेंगे कि क्यों जनरेशन जेन जी को जनरेशन जीरो कहना सही होगा, क्यों लोगों की राय उनके प्रति ऐसी हुई जा रही है। दोस्तों जनरेशन जेन जी का मतलब होता है जो लोग 1997 से 2011 के टाइम पीरियड में पैदा हुए लोग, जो कि हमारे देश के फ्यूचर हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों सबसे अफसोस की बात तो ये है कि आज के दौर में 75% कॉर्पोरेट लीडर और बिजनेस आइकन का मानना है कि ये जनरेशन बहुत ही बेकार है, गैर जिम्मेदार है, इनके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जनरेशन अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं है और बहुत ही होपलेस है, जो कि खुद ही अपनी तबाही के रास्ते बना रही है। दोस्तों इस जनरेशन को जनरेशन जीरो कहना सही होगा, लेकिन दोस्तों काफी परेशानी की बात तो ये है कि इतने अप टू डेट दौर की जनरेशन, जो कि कंप्यूटर हाईफाई टेक्नोलॉजी में पैदा हुई, जो कि बहुत ही फास्ट लर्नर भी है, आखिर क्यों ये तबाही की वजह बन रही है दोस्तों। दोस्तों एक्सपर्ट का ये कहना है कि 75% जनरेशन मतलब जेन जी डिप्रेशन की शिकार हो गई है। दोस्तों कॉर्पोरेट लीडर और बिजनेसमैन का मानना है कि इनमें पेशेंस की कमी है, ये किसी भी काम का इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, किसी भी काम को या प्रोजेक्ट को ये बीच में ही क्विट कर दे सकते हैं और ना ही ये हार्ड वर्किंग है। दोस्तों इसके अलावा ये अपने करियर को लेकर भी स्टेबल नहीं होते, ये लोग रियलिटी से काफी दूर है। हालांकि दोस्तों एक्सपर्ट परेशान है कि इतनी फैसिलिटी और एसी रूम में बैठे इस जनरेशन को आखिर ऐसी क्या दिक्कत है, वो इस तरह कि क्यों होपलेस मेंटेलिटी के हो रहे हैं। तो दोस्तों एक्सपर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी वजह इनकी कंफर्ट जोन ही है, जिससे कि वो बाहर निकलने ही नहीं चाहते दोस्तों। हालांकि इससे पहले की पीढ़ियां काफी स्ट्रगल किए दोस्तों, ये जिन्होंने देश को आगे ले जाने में काफी मदद की दोस्तों, ये साइलेंट जनरेशन है जो कि 1928 से 1945 के बीच पैदा हुए थे दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों बेबी बूमर्स जनरेशन, ये जनरेशन 1946 से 1964 के टाइमलाइन में पैदा हुए लोग हैं। दोस्तों इस जनरेशन ने काफी दिक्कतें झेली है, गरीबी देखी है, लेकिन दोस्तों इन्होंने खूब मेहनत की, देश को बदलने में इन्होंने काफी योगदान भी दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए जनरेशन एक्स है। दोस्तों इस जनरेशन पेरेंट्स आ सकते हैं जिन्होंने काफी मेहनत किया दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान बंटवारा भी देखा है और कई तरीका का दिक्कतों का सामना किया दोस्तों, जिन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए काफी मेहनत की दोस्तों और एक कम्फर्ट लाइफ बच्चों को प्रोवाइड भी किया है। इन्हीं की वजह से आने वाली जनरेशन वाई टीवी फ्रिज और भी कई तरह के फैसिलिटीज को एक्सपीरियंस किया है। दोस्तों इसके बाद जनरेशन आती है 1981 से 1986 के बीच पैदा हुए लोग, ये जनरेशन भी सुपर एक्टिवर की तरह रहे दोस्तों। इनके दौरान इनके जमाने में इंटरनेट वाईफाई सब था दोस्तों, इन्होंने अपने स्किल्स पे काफी काम किया और काफी आगे बढ़े। उसके बाद जो जनरेशन आता है दोस्तों जनरेशन जेन जी, जो कि आपके सामने है, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।